नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ आज राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से हुआ। सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के पश्चात पहली बार माननीय सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के 14वें सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों तथा आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के समापन पर हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदन के इस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे पारित करने, वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान पारित करने तथा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए किया गया है। जैसे कि सदन की परंपरा रही है, मुझे आशा है आप अपने अनुभव, जनहित की प्रतिबद्धता के माध्यम से विचार विमर्श के स्तर को और ऊंचा उठाएंगे। मेरी सरकार पिछले लगभग 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई गई सभी प्रकार की आर्थिक सहायता हेतु केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है। जैसा कि सर्वविदित है, इस महामारी से निपटने के लिए देश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। हमारा प्रदेश उनके मार्गदर्शन, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से इस टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज के 100% लक्ष्य प्राप्त करने में देश का सबसे पहला प्रदेश बना है। स्वयं प्रधानमंत्री उन्होंने हिमाचल प्रदेश की इस उपलब्धि की सराहना की। सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के। मेरी सरकार ने इस 4 वर्षों में प्रदेश को नए शिखर तक पहुंचाने, आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के द्वार खोलने, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान, किसानों एवं बागवानों की खुशहाली तथा समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। इनसे प्रदेशवासियों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपार अवसर प्राप्त हो रहे हैं तथा उनका आत्मसम्मान और आत्मगौरव बढ़ा है। इससे पूर्व विधानसभा में आगमन पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। 23 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत बजट अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण आज प्रस्तुत हुआ है। मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विपक्ष को कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीज़ें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है,
कौन सी बात झूठ, अगर इसके बारे में अगर वो कहते तो समझ में बात आ जाती। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने से पहले ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ दो थे और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, क्या झूठ है इसमें बताएं हमें। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही 50 थे, 50 में से 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था उस वक्त जब कोविड का दौर आया था। आज 1014 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं, क्या झूठ है इसमें। आईसीयू बेड की संख्या मात्र 52 थी हिमाचल प्रदेश में और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें। ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग थे और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास 17000 हैं, क्या झूठ है इसमें। अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी, 13,500 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, इसमें क्या झूठ है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या क्या सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, एक शिमला एक धर्मशाला, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉरपोरेशन है जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोली है। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था, हमने 415 पंचायतों का, नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया है, नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील, तहसील सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल मोदी जी के अभिभाषण में किया गया है, इनमें से एक भी चीज झूठ है तो वो बताएं। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल मोदी जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कहकर के झूठ का पुलिंदा है, जो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने आज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहले दिन उनने किया उससे आगे के इसमें जो है वो इस प्रकार की एक रस्म नहीं करेंगे, इसको अपने आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे और पूरा सार्थक चर्चा हाउस के अंदर करेंगे और सार्थक चर्चा करने के बाद हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमारा एक एक दिन समर्पित है, एक एक पल समर्पित है और ऑपोजिशन से राजनीतिक मकसद के कारण जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं और लेकिन इस सारे मामले में वो टोटली एक्सपोज्ड है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 812 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 99 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 708 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,48,535 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 41,65,263 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 282,544 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है जिनमें से 277,029 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,409 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।